आज बलौदा बाजार में सर्व छत्तीसगढ़िया समाज द्वारा आभार एवं अभिनंदन आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल शामिल हुए। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक सर्व समाज द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सिक्का केला दूध व तेल से तौलकर अद्भुत स्वागत किया गया। वहीं सोनी समाज द्वारा स्वर्ण मुकुट भेंट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 102 करोड़ 13 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का सौगात जिलेवासियों को दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंतूराम पवार प्रकरण पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह अपने दामाद पुनीत गुप्ता को थाना भेजकर वॉइस सैंपल करवा कर कानून की मदद करें। लेकिन जहां जिस गांव के लोगों ने अच्छा काम किया, चाहे गौठान अच्छा बना हो, सेड अच्छा बना हो, चाहे वर्मी खाद के उन्होंने बनाया हो, कम्पोस्ट खाद बनाया हो, गौमूत्र से दवाइयाँ बनाई हो, ये सब भी आप प्रमोट करें ताकि एक दूसरे को सूंघ के फिर दूसरे लोग भी इस काम करें। ये समस्या केवल भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है, ये हम सबकी समस्या है और इसलिए सबकी भागीदारी, विशेष रूप से मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि उसमें भूपेश बघेल का नाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस गाँव के लोगों ने अच्छा काम किया है उस समिति का नाम जरूर दें, उनका फोटो छापें, उनसे इंटरव्यू लें, उनकी बात कहें और उसे लाभ क्या हो रहा है, ये सब बातें कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा वातावरण बनेगा, तो सकारात्मक ईश्वरी भी आप करें ऐसे मैं भी किया जा रहा है। अभी तक पत्रकार सुरक्षा, वकील सुरक्षा, डॉक्टर सुरक्षा, आज सारे लोग असुरक्षित हैं, ठीक है, असुरक्षा की भावना जो घर कर गई है उसे खत्म करना होगा। सर जो आप सर जो